ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि 36 वर्षों बाद श्रीनगर में इस तरह का एक बड़ा आयोजन क्रिकेट का हुआ है और ये जो लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है पिछले एक सप्ताह से, मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर घाटी में क्रिकेट का एक बुखार चढ़ गया है लोगों में और जिस तरह की भीड़ उमड़ी है स्वाभाविक रूप से यही बताता है कि यही बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है और शांति के जो प्रयास रहे हैं पिछले 4-5 वर्षों में उसका ये प्रतिफल है। पिछले वर्ष जम्मू से शुरुआत हुई थी और एक बात का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ ये मैच हो रहा है ये इंटरनेशनल स्टेडियम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम इसलिए बन सका कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपये PMDP में दिए, तब आज बक्सी स्टेडियम और जम्मू में MA स्टेडियम इस स्तर के हो चुके हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैच यहाँ कराया जा सकता है। नौजवानों के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है जो क्रिकेट शायकी ने एक प्लेटफॉर्म, स्वाभाविक रूप से जिस तरह की भीड़ आई है और एक सप्ताह से जिस तरह का जुनून देखने को मिला है, इससे मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ भी 17 देशों के खिलाड़ी आए तो क्रिस गिल यहाँ भी पैदा हो, शिखर धवन जम्मू कश्मीर में भी पैदा हो, ये एक संकल्प यहाँ से लेकर के यहाँ के नौजवान